मैं थोड़े जड़ी प्रेस दे कैमरे है और कैमरे दिया कालियां अखा है। मैं थोड़िया इन अखा के जरिए मैं पंजाब के लोग जड़े और तुसी जो सवाल किया कि कुछ पीड़ित परिवार पहुंचे है, मैं थोड़ी मार्फत उन्होंने दसना चाहना कि जड़ी सरकार हुंदी है ये माँ बाप की हैसियत रखती है। जिवें एक माँ बाप नू अपनी औलाद की फिक्र हुंदी है, सरकार नू अपनी कौम की फिक्र हुंदी है। और जे कोई भी बंदा किसी गल तो भी उन्हूं कोई तकलीफ है, किसी वजह नाल भी तकलीफ है, तो वह जिहड़ी तकलीफ चंडीगढ़ चाहे किसी मेल के जरिए चाहे किसी वफद के जरिए वो आके जे पहुँचाएगा तो साड़ी हर मुमकिन कोशिश होएगी कि वो तकलीफ जिहड़ी है उहदा हल निकल सके। सब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पेट्रोल दे रेट दे विच एक्साइज ड्यूटी दे विच कमी की है, पंजाब सरकार उहदा खैर मकदम करती है और साड़ी भी नीयत यही है कि असी भी कुछ उस रस्ते ते कुछ राहत जिहड़ी है वो पंजाब दे लोकां नूं दईए। वो किन्नी राहत होएगी क्योंकि मैं वफादारी का हल्फ लिया होया, मैं अज थोनू लुधियाने दी प्रेस नूं नहीं दे सकदा पर परसों कैबिनेट की मीटिंग है, परसों कैबिनेट की मीटिंग दे विच इहदा जिक्र होएगा और कैबिनेट इहदा कोई ना कोई फैसला लेगी, बट साडी नीयत जरूर है। पेट्रोल पंप वाले जा रहे हड़ताल से जा रहे ने जी, क्योंकि 5 बजे तो बाद पंप बंद हो जाएंगे, उन्होंने सीधा सीधा ऐलान है। मैं फिर कह रहा कि साडी नीयत है कि ये पेट्रोल ते डीजल दे रेट घटने चाहिए है। हालांकि एक गल गौरतलब है, हालांकि शायद थोनू इस गल की दिलचस्पी ना हो कि ज़्यादा टैक्स जड़ा है वो केंद्र सरकार लेंदी है पेट्रोल ते डीजल ते, ते घट टैक्स जड़ा है वो स्टेट सरकार लेंदी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे थले किन्ने लोग वसदे है, एक भी बंदा नहीं वसदा। पंजाब सरकार दे थले किन्ने वसदे है या स्टेटां दे थले किन्ने वसदे है, सारे जिन्हें लोग भलाई दे काम है ये स्टेटां नूं करने पैंदे है। ते यार देखो स्टेटां दे जिहड़े असी एजुकेशन भी देनी है, असी हेल्थ भी देनी है, असी बुढ़ापा पेंशन भी देनी है, असी पुलिस का बंदोबस्त करना है, असी जेलां चलानी है, असी नहरां चलानी है, असी बिजली चलानी है। स्टेट जड़ा है सारे लोग भलाई दे काम जड़े स्टेट करती है ते ज़्यादा पैसे जड़े है वो केंद्र सरकार, और मैं इस गल ते मैं खुश हुंदा जे केंद्र सरकार ये पेट्रोल ते डीजल ते होर घटा दिंदी। पर परसों कैबिनेट की मीटिंग दे विच पंजाब सरकार इहदा कोई ना कोई फैसला जरूर लेगी। तुहाडा एक बयान हो रहा है कि एनडीसी कर रहे हो कि सरकार दे खिलाफ, वो कहंदे रेगुलेटरी कमीशन जिहड़ा हड़ताल दिवाली दे दिन भी उन्होंने वालों हड़ताल की है जी। किस गल दी इंडस्ट्री? वो सर रेगुलेटरी कमीशन की मंग कर रहे हैं, कहंदे भी साडी मंग जिहड़ी कमेटी बनाई जा रही है क्योंकि लगातार स्टील प्राइसिस वध रहे हैं ते केंद्र सरकार ते हर रोज कीमतां कहंदे वधन करके परेशान है। यार असल च की है कि स्टील दीआं प्राइसिस जिहड़ीआं है ये पिछले एक साल दे विच तकरीबन दुगनिया हो गई, काफ़ी ये बढ़ गई है और एक हिंदुस्तान दे विच एक कार्टेल बन गया, 4-5 जिहड़े स्टील पैदा कर रहे हैं, इन्होंने स्टील की कीमत वधा छड्डी है और जो इंडस्ट्री की मंग है वाजिब है, जायज़ है। इंडिया की जिहड़ी इकोनमी है, देखो साडा जिहड़ा कंपटीशन है, माड़ा जा इधर ध्यान दिओ, साडा जिहड़ा कंपटीशन है इंडिया का, कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन कोई अकाली दल या बीजेपी नाल नहीं है, देश नूं अगे लैके जाना है। कंपटीशन साडा चीन नाल है, साडा कोरिया नाल है, साडा ताइवान नाल है, साडा तुर्की नाल है, रूस नाल है। जे स्टील ते डीजल पेट्रोल दीआं कीमतां महंगीआं हो गईआं तां हिंदुस्तान कंपटीशन चों बाहर निकल जूगा।
देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।